नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। पिछले एक साल से चीन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पहले अमेरिका से उसका पंगा जारी है, जिससे चीनी अर्थव्यवस्था सबसे निचले स्तर 6% पर आ गई है, तो दूसरी तरफ भारत से हर झगड़े में मात खानी पड़ रही है। और उधर चीन पाकिस्तान की दोस्ती में चीन को कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान एक कंगाल मुल्क है और उस पर आतंकवाद का ठप्पा लगा हुआ है, और इस वजह से चीन पाकिस्तान के साथ खुलकर सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि उसे डर है कि अगर पाकिस्तान की तरफ ज्यादा बढ़े तो दुनिया हमारी आलोचना करेगी। वहीं चीन को लेकर अमेरिका काफी आक्रामक है, और अमेरिकी संसद में उइगर मुसलमानों को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसमें चीन की नीतियों की तीखी आलोचना की गई है। और जो सबसे ज्यादा चीन को दर्द दे रहा है वो है हांगकांग का मसला। पिछले 6 महीने से चीन के खिलाफ हांगकांग की जनता सड़क पर है और लगातार मीडिया की सुर्खियां बन रही है। इस बीच हांगकांग की जनता चीन के खिलाफ काफी आक्रामक हो गई है, और इन्हीं जारी उठापटक के बीच हांगकांग ने चीन को सबसे बड़ा झटका दिया है। बात दरअसल ये है कि रविवार को जिला परिषद के लिए मतदान हुआ, और मतदान के बाद आए रुझान को देखे तो पता चल रहा है कि सरकार विरोधी भारी मतदान हुआ है। इस चुनाव को हांगकांग के नेता और चीफ एग्जीक्यूटिव कैरी लेम के लिए भी एक शक्ति परीक्षण के तौर पर देखा जा रहा है। लोकतंत्र समर्थक विरोध समूहों को उम्मीद है कि करीब 6 महीने की अशांति और सरकार विरोध के बाद हुई वोटिंग से चीनी सरकार को एक संदेश मिलेगा। वित्तीय हब माने जाने वाले हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक उम्मीदवारों ने पहली बार 452 जिला परिषद सीटों में से आधे से ज्यादा पर जोरदार जीत हासिल की है। जब आधी रात के बाद नतीजे आने शुरू हुए तो बीजिंग समर्थक लोग डेमोक्रेट्स की जीत से परेशान नजर आए। जिला परिषद चुनाव में जीत हासिल करने वाले उम्मीदवारों का कहना है कि ये जीत लोकतंत्र की जीत है, और ये नतीजे प्रदर्शनकारियों के समर्थन की गवाही दे रहे हैं। इस नतीजे से चीफ एग्जीक्यूटिव कैरी लेम पर दबाव बढ़ेगा, जिन्हें चीन का समर्थक माना जाता है। कैरी लेम की वजह से हांगकांग में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। रविवार को हुए स्थानीय चुनाव में 41,30,000 पंजीकृत मतदाताओं में से 29,40,000 लोगों ने वोट किया। वोटिंग का यह आंकड़ा 2015 में हुए चुनाव से 47% से भी अधिक है। यहाँ पर एक दिलचस्प बात बता दें कि 1999 में चुनावों के शुरू होने के बाद 2015 में पड़े मतों की संख्या अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सत्ता की ताकत के लिहाज से हांगकांग में जिला परिषदों में बहुत कम ताकत होती है, लेकिन इस चुनाव को अलग माना जा रहा है, और राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इससे चीनी सरकार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी। अब आगे देखना होगा कि हांगकांग की राजनीति किस करवट बदलती है, लेकिन जो भी होगा चीन के लिए सिरदर्दी ही पैदा करेगा।